वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि सम प्रभ, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्रयंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, अतुलित बल धाम हेम शैलाभदेह, दनुजवन ज्ञानी नाम प्रगण्य, सकल गुण निधान वानराणा मधीश, रघुपति प्रिय भक्त वात जात नमा, नमामि रामं रघुवंश नाथं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणा, यमा चंद्र सर्वत्र वंद्यते, मैत्री संस्थापको यस्य विश्व शांति विधायक, सनातनाय धर्मा तस्मै नित्यं नमो नमः, तस्मै नित्यं नमो नमः, वंदं तुलसी के चरण जिन्हकी प्रगट सप्त जहा, अपने अपने घर की सबका को पी, तुम्हें पीर सब घर की, धन्य धन्य रघुवीर, धन्य
परम श्रद्धे परमहंस सद्गुरु स्वामी आगमानंद जी के श्री चरण कमल मंचासीन बैठे हुए विज्ञजन संत जन वृंद कविवर राजकुमार जी भजन सम्राट दीपक भैया जी विद्वान चिंतक शिव शंकर जी पार्श्व भाग में बैठे हुए भगवान चित्रगुप्त के पूजा का भी पर्व है। इस पर्व और महापर्व के बीच में अत्यंत पावनी इस धरती पर मां काली के गोद में महामाया आदि शक्ति के गोद में उनके वात्सल्य के झोंकों में हम झूल रहे हैं, मगन हो रहे हैं और ऊपर से परमहंस स्वामी आगमानंद जी की कृपा बरस रही है। हम सभी धन्य धन्य हैं। मैं सर्वप्रथम प्राणों के प्राण और जीवन के जीवन प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपने हृदय की समस्त भावनाओं का अर्पण और समर्पण करती हूँ। रामदूत सत्य के शोधक ज्ञानी नामाग्रगण्यम हनुमान जी के चरणों का वंदन करती हूँ। गुरुवर को बारंबार नमन करती हूँ। आदि शक्ति के लिए कोई शब्द नहीं है, जिनकी कृपा दृष्टि से ही हम सभी संपन्न हैं, हम सभी वाचाल हैं या हम सभी समर्थ सामर्थ्यवान बनते हैं। उनके वात्सल्य को नमन करती हूँ और आप सभी लोगों का प्रेमिल स्नेहिल हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम लोग बैठे हुए थे, चूंकि गुरुदेव का आदेश हुआ कि आपको आना है और अभी कह रहे थे मैं आपको छुड़वा दूंगा, छोड़ दूंगा। भाई गुरुजी जब पकड़े हैं तो छोड़ेंगे क्यों? कभी मत छोड़िए, कभी मत छोड़िए। मैं आने की स्थिति में नहीं थी और मैंने चूंकि बहुत से कार्यक्रम रहते हैं तो मैंने कहा था कि आज के दिन मैं कोई कार्यक्रम में किसी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगी, चूंकि कल मुझे छठ पूजा के लिए जाना है अपने गांव में। हमारी माताएं जानती हैं कि उसमें कितना सारा काम करना होता है। हम लोग सभी पति पत्नी दोनों एक साथ करते हैं, वर्षों से करते आ रहे हैं, तो पूरी तैयारी करनी है। लेकिन सबसे बड़ी तैयारी गुरु जी का आदेश, आपको आना ही है, आना ही है। तो भाई कहा सब कुछ छोड़ के छठी मैया ने गुरु जी के माध्यम से यहाँ बुला ही लिया। हम लोग जब बातें कर रहे थे, हमारे कवि राजकुमार जी भी बैठे हुए थे अभी वहां मंदिर के पावन प्रांगण में, तो चर्चा चल रही थी कि भाई इस भूमि की क्या विशेषता है। विज्ञजन ग्रामीण जन तरह तरह की बातें कर रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत गूढ़ बातें। एक सीधे साधे सज्जन ने बड़ी अच्छे ढंग से बतलाया सरल शब्दों में। उन्होंने कहा भाई क्या हम बताएं आपको विशेषता, जहां साक्षात जागृत काली माता का दर्शन होता है और जिस भूमि पर स्वामी आगमानंद जी जैसे संत का जन्म होता है, उस धरती को बारंबार हम नमन करते हैं, यही तो इसकी विशेषता है। इससे बड़ी विशेषता क्या हो सकती है? सिद्ध शक्ति माता का दर्शन और स्वामी गुरुदेव आगमानंद जी का जन्म इस धरती पर। बड़ा ही बड़ी प्रिय धरती है इन्हें। मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी देख रहे हैं कार्यक्रम की बड़ी लंबी फेहरिस्त और लिस्ट है इनके सामने, लेकिन आश्चर्य है कि आपके गांव को प्राथमिकता देते हैं। हमने कहा क्यों स्वामी जी, आपको इतना प्रिय है अपना गांव
का जब हमारे प्रभु राम जी ने सारी दुनिया छोड़कर और अयोध्या को सबसे प्रिय बताया, तो मुझे अपना नगर गांव क्यों नहीं सबसे प्रिय होगा। झूम के बड़े मस्त हैं ऐसे मस्त संत, अलमस्त संत। मन डूब गया तो क्या बोले, मन भींग गया तो क्या बोले, और झालमुड़ी की तरह झुरझुराते हुए ये न जाने कितने प्रवचन कर जाते हैं। आपके लिए बता रही हूं कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावन। राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, लंका स्वर्ण नगरी है, लंका में बहुत कुछ है, लेकिन वो कुछ नहीं है जो हमारी जन्मभूमि में है। सारी दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन वो कुछ नहीं है जो हमारी जन्मभूमि नगर गांव में है। इससे बड़ी विशेषता का जन्मभूमि मम पुरी सुहावन उत्तर दिशि वह सरयू पावन। और यहाँ भी आपके बगल में ही सोन नदी शायद बह रही है। भौगोलिक दृष्टि से आप संपन्न हैं। कोशी हाँ कोशी सोन तो हमारे तरफ से वहाँ कोशी नदी के तट पर, तो आप संपन्न हैं। बहुत बड़ी संपत्ति आपके पास है। एक बात और कहो, गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं कहा है अनुभव की प्रामाणिकता में, हर जगह जाओ लेकिन अपने जन्म स्थान में मत जाओ, वहां आपको बहुत इज्जत नहीं मिलेगी। मैं नहीं करी हूं, गोस्वामी जी का एक दोहा है, तुलसी तहां न जाइए जहां जन्म के ठाव, भाव भगत जाने नहीं धरे पाछिलो नाव। कहा गोस्वामी जी क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है अपने जन्मभूमि में जाने से? कहा देखो भाई, वहां तो लोगों ने मुझे छोटा नंग धड़ंग देखा है, छोटा घूमते हुए देखा है, इसलिए अभी मैं तुलसीदास बन गया हूँ, और वहां कोई देखते ही बोलेगा देखो राम बोला जा रहा है, राम बोला जा रहा है, कोई मुझे महात्मा और स्वामी नहीं मानेगा। लेकिन धन्य है स्वामी यागमानंद जी, मैं चकित हूँ, विस्मित हूँ, थकित हूँ। मैं ही नहीं, जो भी विज्ञजन है, जो भी आम जन है, जो भी ग्रामीण जन है, जो भी चिंतक है, किसी संत का अपने ही जन्मभूमि में, अपने ही घर में इतना मान सम्मान और इतनी गुरुता और इतना स्वामी के रूप में उनका स्वागत हमने पहली बार देखा है, अन्य कहीं नहीं देखा है। दुनिया वाले तो खूब आरती उतारते हैं, लेकिन अपने घर वाले, अपने गांव वाले, अपने गली वाले, जिन्होंने रामू से स्वामी आगमानंद जी की यात्रा को देखा है, शायद बचपन में रामू ही नाम था ना, धृष्टता कर रही हूं, लेकिन गुरुदेव की जीवनी के बारे में जितना भी मैंने ताका झांका और विज्ञजनों से सुना, भाव से भरे हुए लोगों की बातें सुने, कहा रामू से ये स्वामी आगमानंद जी की जो यात्रा है वह इस भूमि की यात्रा है। इसलिए धन्य है आप लोग, और धन्य है यह भूमि, और धन्य है काली माता की कृपा, धन्य है आप सभी। स्वामी जी तो गुरु जी हैं ही, एक और नाता आपसे, क्योंकि गुरु के संपर्क में उनका जो स्वजन, उनका जो परिवार होता है वो भी बड़ा श्रेष्ठ होता है। रामचरितमानस की गोस्वामी जी की पंक्तियां, मैं अपनी नहीं कर रही हूं, राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण देखो, सुग्रीव देखो, विभीषण, ये मेरी जन्मभूमि अयोध्या है और यहां के लोग मुझे बड़े प्रिय हैं। हमारे स्वामी जी की भी बातें यही है, कुछ सीधे कहते हैं कि भाई बहुत से लोग हैं, बहुत से भक्तजन हैं, लेकिन हमारी जन्मभूमि के हमारे जो अपने लोग हैं ये मुझे बड़े ही प्रिय हैं, ये मुझे बड़े ही प्रिय हैं।
अति प्रिय मोही। देखिए हमारे माननीय विधायक जी भी पधार गए, स्वामी जी की कृपा जिस पर बरसती है वो विधायक क्या प्रधानमंत्री भी बनते देर नहीं लगती। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, आप सभी लोगों को समर्पित ये अर्धाली स्वामी जी की तरफ से हैं। सारी दुनिया के लोग हैं, भागलपुर वाले हैं, बिहार वाले हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग, लेकिन अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख रासी, मम धामदा पुरी सुख रासी। इसलिए आपके लिए समर्पित ये अर्धाली आज कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि बह सरजु पावन, जा मज्जने ते बिनहि प्रयास, मम समीप नर आपको देखकर, स्वामी जी के जन्मभूमि को देखकर जो भाव आया मैंने आपके साथ शेयर किया। जगदम्बा काली माता जी के गोद में हम झूल रहे हैं, माता की महत्ता को हम शब्दों में कैसे कह सकते हैं। कोई छोटा बालक क्या बता सकता है कि हमारी माता में क्या क्या गुण है? क्या कोई छोटा बालक क्या बता सकता है हमारी माता हमें कितना प्रेम करती है? नहीं बता सकता। पिता के प्रेम को मैं कम नहीं कहती, लेकिन पिता के प्रेम को आंका जा सकता है, लेकिन माता के प्रेम को कभी नापा नहीं जा सकता है। क्योंकि माता के छाती से जो बहता हुआ दूध है उसकी मिठास को कभी मापा नहीं जा सकता है। माता के आंखों से छलकता हुआ अपने पुत्र के लिए, अपने संतान के लिए जो आंसू है, उस आंसू की गरिमा को कहीं नापा नहीं जा सकता। इसे बड़ी अच्छी मीठी बात संत जन भी कहते हैं, गोस्वामी जी भी कहते हैं। चूंकि राम कथा में बचपन से रमी हूं, कहीं ना कहीं से वो छलकता है। सारी कथा राम जी ने लिख लिया, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने, लेकिन एक निवेदन कर दिया राम दरबार से अलग हटकर। कहानी अब माता के दरबार में जाते हैं, कहा क्यों? कहा पिताजी के पास कोई संदेश पहुंचाना है तो माता जी के आंचल में लिपट जाना है पहले। पिताजी को पकड़ना है तो माता का आंचल पकड़कर। कहा क्यों? आप पिताजी के पास जाइएगा तो वेल मेंटेन होकर, अगर कीचड़ लगा है, अगर गंदगी है, तो पिताजी कहेंगे जाओ पहले नहा धोकर आओ, पहले अच्छे से कपड़ा पहन के आओ। लेकिन माँ आंचल से धोएगी, मुंह को साफ करेगी, गंदगी को हटाएगी और उठाकर अपने गोद में समेट लेगी। तुम्हारी गंदगी की भी कोई परवाह नहीं करेगी। आत्मीय जन काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार और वासनाओं की गंदगी से जो हम पीड़ित हैं, तो हमारे परम पिता प्रभु परमेश्वर तो बाद में कहेंगे पहले विषय वासना को भगा कर आओ। लेकिन माता इतनी दयालु है,
इतनी कृपालु है, इतनी छलकती है, इतनी मिठास है कि काली माता उठा लेंगी और आंचल से हमारी इन सारी वासनाओं को, गंदगी को झाड़ पोछ कर साफ कर देंगी, हमें तैयार करें देंगी, कहेंगी जाओ तुम भी स्वामी आगमानंद जी बन जाओगे। ये काली माता का प्रांगण है। जब स्वामी जी इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं माता की जागृत शक्ति को पाकर, तो हम आप यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति क्यों नहीं अपने भीतर की शक्ति को, अपने तत्व को, अपने आत्मबोध को जगा कर और क्यों नहीं ऊंचाई पर पहुंच जा सकता है। इसलिए आज मैं आपको देखकर अभिभूत हूँ। केवल एक स्वामी आगमानंद जी मंच पर नहीं बैठे हुए हैं, आप सभी को मैं उन्हीं के प्रतिरूप के रूप में नमन करती हूं। बहुत अच्छा निवेदन गोस्वामी जी ने कहा, का मैया कबहू का अंब अवसर पाई, का मां कभी अवसर देखना, अवसर देखना यानी पिताजी का मूड जब ठीक हो तब मेरा निवेदन कर देना कि एक आपका बालक है जो कलयुग में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से तमाम विकृत मानसिकताओं से भरा है, न जाने कब क्या बहक कर कौन कौन क्या बयान दे देता है, माँ हमें झाड़ पोछ कर हमें अपने गोद में उठाकर पिताजी के सामने उपस्थित करना। कबहू का अंब अवसर पाई, अवसर देख कर पिताजी का मूड खराब हो तब मेरे बारे में बात नहीं करना, अच्छा अवसर देख कर मेरी हो सुधी ध्याई भी। पिताजी को ऑफिशियल बहुत से वर्क है, पिताजी को बहुत से काम है, पिताजी को देश चलाना है, विदेश चलाना है, राष्ट्र चलाना है, पूरे विश्व को चलाना है, ब्रह्मांड को चलाना है, न जाने उनके कितने परम पिता परमेश्वर को काम है, वो कलयुग में एक छोटे से नादान जीव की तरफ भला उनका ध्यान कैसे और कहां जाएगा। तुम थोड़ा याद दिला देना माता कि नगरह गांव में इस कोने में इस पंडाल में बैठा हुआ एक व्यक्ति अत्यंत पीड़ित है और माँ काली के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, माँ कबहू का अंब अवसर पाई मेरी हो सुधी ध्याई भी, मेरी हो सुधी ध्याई भी, कछु करुण कथा चलाए। क्या सुंदर शब्द है, करुण कथा चलाए, उनके सेंसेशन को, उनकी संवेदना को जागृत कर देना, मेरी करुण कथा को चला देना, मेरी वो बड़ी बड़ी वाली कथा नहीं, मेरी ईगो वाली कथा नहीं, मेरी अहंकार वाली कथा नहीं, मेरी बड़प्पन वाली कथा नहीं, मेरी बहुत हाई फाई वाली कथा नहीं, मेरी वो करुण कथा थोड़ा चला देना। बहुत सुंदर शब्द, मेरी हो सुधी ध्याई भी कछु थोड़ा बहुत करुण कथा चलाई, कबहू का अंब अवसर पाई, कबहू का। क्या शब्दों का छलकाव है, साहित्य के अगर विज्ञजन बैठे हुए हैं तो कब हुक में कितना थिरकन है, कब हुक में कैसी ध्वनि है, उस ध्वनि को अवश्य महसूस कर रहे होंगे। कब हुक अंब अवसर पाई मेरी हो सुधी ध्याई भी, मेरी यानी उनकी कही उनकी कही उनकी कही सबकी सुनी, अब थोड़ी मेरी भी सुना देना। मेरी हो सुधी ध्याई भी कछु करुण कथा चलाई, करुण कथा चलाई, कबहू का अंब अवसर पाई।
अच्छे पद की जितनी व्याख्या की जाए, इसमें महीनों अगर प्रवचन दिया जाए, न जाने कितने एंगल इससे छलकेंगे। लेकिन सुधी ध्याय और मानस की कड़ी से ही जोड़े, हनुमान जी ने कहा माता सुधी का बड़ा ही महत्व है। अभी तक रघुवीर ने आपकी सुधी नहीं ली है, क्योंकि अभी तक उनके पास किसी ने ये सुधी नहीं पहुंचाई है। बहुत अच्छी अर्धारी देखे चौपाई, जो रघुवीर होत सुधी विष्णु भगवान के पास, राम जी के पास, भगवान श्री कृष्ण के पास, या किसी भी बड़े भगवान के पास कोई सूचना तो पहुंचाने, कोई ये बीच में इमीडिएटर तो बन जाए। हमारी माता जगदम्बा नौ रूपों में हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं और नौ रूप में कहते हैं अपने भक्तों से, बेटा लूट लो जिस रूप से चाहते हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। जो रघुवीर होते सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, करते नहीं कबहुक अंब अवसर पाई, मेरी हूँ सुधि ध्याई भी कछु करुण कथा चलाई। आत्मी जन मुझे भी लौटना है, विवस्ता है, और जो भाव का प्रवाह है वो छलक रहा है, वो ब्रेक लेना नहीं चाह रहा है, लेकिन मुझे ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी माता की जो कृपा है, हमारे स्वामी जी का जो आशीर्वाद है, हम सब पर बरस रहा है, और उसी के बल और संबल से मैं एक निवेदन और कहूंगी कि हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, बड़े बड़े संतों की जीवनी पढ़ते हैं, स्वामी जी के संपर्क में रहते हैं, हमें करना क्या है? कहा रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। मैं युवा शक्ति को विशेष रूप से ये आंदोलित करते हुए, आवाहन करते हुए बोल रही हूँ, क्योंकि राष्ट्र को संभालना है, बिहार को संभालना है, क्षेत्र को संभालना है, उल्टी सीधी जो चालें चल रही हैं, उन चालों को सीधा करना है, इधर उधर बहक जो रहा है उन बहके हुए नेताओं को भी रास्ते पर लाना है। कभी भी कहीं भी विधानसभा विधान परिषद में न जाने क्या क्या बयान बाजी कर देना कर रहा है, उसे भी अगर अपने भारतीय संस्कृति और परिवेश में लाना है तो माता की शक्ति को जगाना होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति मातृ प्रधान है। हम भारत माता को नमन करते हैं, हम धरती माता को नमन करते हैं, हम गायत्री माता को पूजते हैं, हम गंगा माता को पूजते हैं, हम गो माता का वंदन करते हैं। इसलिए भारत माता और जगदम्बा और माता और नारी शक्ति माता के विरुद्ध में उसे अपमानित करने वाली कोई भी आदमी, चाहे कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, अगर कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो हम माता से निवेदन जरूर करेंगे, और हम जरूर आवाहन करेंगे कि रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। राम बनना मतलब केवल दशरथ पुत्र के रूप में एक व्यक्ति विशेष नहीं, राम बनना यानी सहजता, समरसता और बहुत ऊंचाई पर भारतीय संस्कार और संस्कृति को संभालने वाला, अपनी धरती की पूंजी को समझने वाला और विश्व गुरु भारत के अस्तित्व को विश्व गुरु के पटल पर लाने वाला बनना होगा। रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। स्वामी जी के आगे सुनते हो तो स्वामी जी की तरह ही बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, अब इतिहास बदलना होगा, अब इतिहास बदलना होगा। संकेत में बहुत कुछ कहने का मैंने प्रयास किया है। मैं आपकी अपनी बेटी हूँ, बहू हूँ, आपकी बेटियों को, अपनी बेटियों को सुंदरवती महिला महाविद्यालय में शिक्षिका के रूप में
पढ़ाने का अवसर मुझे आपने प्रदान दिया है, इसलिए त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। मैं आपसे अलग नहीं हूँ, आपकी और हमारी सोच एक है, लेकिन सब कुछ है माता जगदम्बा के आशीर्वाद से और स्वामी जी के परम अनुग्रह और कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आप सबका अभिवादन।